हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश जायसवाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों हम टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेंसर को चेक करना सीखेंगे। टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेंसर से आप लोग समझ गए होंगे कि बात यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर की हो रही है। अब ये रेजिस्टेंस वर्ड क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर रेजिस्टेंस के ऊपर में काम करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार ये रेजिस्टेंस क्या होता है। सो रेजिस्टेंस और एम्पियर को मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट रोकने की क्षमता होती है, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी आएगी वो उतने ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई को रोकने का काम करेगा। और एम्पियर इसका अपोजिट होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा आपका एम्पियर होगा करंट देने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। एज लाइक अगर आप अपने फ्यूजेस वगैरह में देखेंगे तो 5 एम्पियर की वायर पतली होती है, वहीं पे 20 एम्पियर की वायर थोड़ी मोटी होती है और 40-50 एम्पियर का और ज़्यादा मोटा वायर हो जाता है। तो ऐसे सेंसर्स में जो होता है दोस्तों रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। पहला तो हो गया हमारा टेम्परेचर रेजिस्टेंस, मतलब कि जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं उसके अंदर में टेम्परेचर रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। तो जो ये रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर कम होने पर अपनी वैल्यू को ज़्यादा करते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होने पर अपनी वैल्यू को कम करते हैं। तो एज लाइक यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग चार्ट देखेंगे तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर हाई होता है वैसे मेरा आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होते जाता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस मेरा कम होता है वैसे वैसे मेरा आउटपुट वोल्टेज कम होते जाता है। सेम एज लाइक हमारा ये जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेंसर है, अगर इसे आप लोग ऑन टेबल चेक कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग इसको ऑन टेबल चेक कर सकते हैं। और ऑन कार वायरिंग में कैसे चेक किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये मेरा एक मास एयर फ्लो सेंसर है और इसकी वायरिंग और इसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करते हैं ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा एक मास एयर फ्लो सेंसर है। बेसिकली ये 6 वायर का सेंसर है एंड इसमें जो होता है हमारी 2 पिन यूज़ की गई है इसके टेम्परेचर को चेक करने के लिए, मतलब कि एयर का जो टेम्परेचर है एयर का टेम्परेचर नापने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में जो है एक रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया है। ओके, क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये जो है दोस्तों ये मेरा टेम्परेचर रेजिस्टेंस है जिसकी पिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऊपर में जाके जुड़ जाती है। और ये जो लास्ट की 2 पिनें हैं ये मेरी टेम्परेचर सेंसर के लिए हैं। अगर इसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का कोड आएगा। और सेम ऐसे ही 2 वायर वाले हमारे फ्यूल टेम्परेचर और कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। बाकी जो ये 4 वायर है ये 4 वायर दोस्तों मेरी हॉट फ्लेम मास एयर फ्लो सेंसर के लिए है, क्योंकि ये जो सेंसर है इसके अंदर में एक हॉट फ्लेम लगी रहती है जिस वजह से इसमें एक 12 वोल्ट का, एक 5 वोल्ट का, एक नेगेटिव और एक सिग्नल वायर होता है। और यहाँ पे 2 वायर को अलग कर दिया है टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए। कई गाड़ियों में 5 वायर वाला देखने के लिए मिलता है तो उसमें जो टेम्परेचर सेंसर होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर सेंसर मेरा अलग है, उसमें इंटीग्रेटेड होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक 12 वोल्ट, एक 5 वोल्ट, एक नेगेटिव और 2 सिग्नल वायर होती है, मगर यहाँ पे टेम्परेचर के लिए क्या कर दिया है 2 अलग से वायर लगा करके रख दिया है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं इसको अगर धूप दिखाऊंगा, हटना बेटा सामने से, अगर मैं इसको ऐसे धूप दिखाता हूं दोस्तों तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर मैं इसको छांव में रखूंगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने लगेगा। लाइए दिखाइए, इसको मैंने सेट कर लिया 2000 पे एंड अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मैं अभी इसके लास्ट की जो दोनों पिनें हैं उसको मल्टीमीटर से कनेक्ट करता हूँ, एज लाइक दैट कि मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 1377 के आसपास में है। अब अगर मैं इसमें धूप डालता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसके टेम्परेचर बढ़ाया है वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या होने लगा, कम होने लगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस मेरा कम होगा और टेम्परेचर कम होने पर मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने लगेगा। देखिए अभी मैंने इसको छांव दिया तो इसका रेजिस्टेंस जो है ये
ज़्यादा होने लगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेंसर को चेक कर सकते हैं ऑन टेबल। अब इसमें वायरिंग में क्या होता है कि किसी एक पिन में आपका ये दोनों में से किसी एक में नेगेटिव दे देगा या 5 वोल्ट का पॉजिटिव दे देता है ACM, तो ये हमारा एक पिन से निकल कर के दूसरे पिन से ACM को आउट होती है जिससे कि सिग्नल जनरेट होता है। तो आपका सेंसर सही है या नहीं है ये आप ऑन टेबल टेम्परेचर कम या ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो गया या एयर टेम्परेचर सेंसर हो गया या फ्यूल टेम्परेचर सेंसर हो गया, इसी तरीके से वर्क करेगा अगर वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के ऊपर में काम करता है तो। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया, इसी तरीके से आप लोगों को कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो या फ्यूल टेम्परेचर सेंसर हो, जो कि दो वायर वाले होते हैं और टेम्परेचर रेजिस्टेंस के ऊपर में काम करते हैं, उसको ऑन टेबल आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वायरिंग में चेक करनी है तो सबसे पहले वेरीफाई कीजिए कि आपके किसी एक वायर में या तो पॉजिटिव 5 वोल्ट या तो 12 वोल्ट का नेगेटिव आएगा जो कि ECM से आता है, और दूसरा वायर मेरा आउटपुट का होता है जो कि ECM को जा रहा है, तो उसमें जो है वोल्टेज में कम ज़्यादा होगा। मतलब कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसका वोल्टेज आउटपुट ज़्यादा होगा। अब जैसे कि नेगेटिव इनकमिंग है तो आउटगोइंग में नेगेटिव भी बढ़ेगी हमारी, और अगर हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसका वोल्टेज भी डाउन होगा। तो इस तरीके से आप वायरिंग में हो या फिर बाहर हो टेम्परेचर सेंसर को आराम से चेक कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय।